आज सुबह बठिंडा बादल मार्ग पर लुटेरों ने लूट की नीयत से प्याज के साथ बड़े ट्रक चालक की हत्या कर दी। साथ बैठे मालिक ने होशियारी से ट्रक वहां से भगाया और ट्रक को लूटने से बचाया। भारतीय सुरक्षा बलों ने कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश कर रहे एक व्यक्ति को पकड़ा। उसे आरएसपुरा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास से पकड़ा गया। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। भारतीय सुरक्षा बलों ने इससे पहले नौगाम सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया था। पंजाब के स्थानीय गांव मल्लिया में पंजाब एंड सिंध बैंक के समीप एटीएम से बीती रात लुटेरों ने 2,45,000 की नकदी लूटकर फरार हो गए। वहीं लुटेरों द्वारा एटीएम के सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ दिया गया। फिरोजपुर सेक्टर के अधीन आते अमरकोट बीएसएफ की 103 बटालियन की डल पोस्ट के नजदीक से 2 किलो हेरोइन बरामद की गई। बीती देर रात पाकिस्तान की ओर से भारतीय क्षेत्र में ड्रोन के घुसने की खबर मिली, जिसको लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने चौकसी बढ़ा दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार हिंद पाक सीमा हुसैनीवाला और बस्ती रामलाल चौक पोस्ट के क्षेत्र से पाकिस्तान की ओर से उड़े ड्रोन आसमान में ऊंचे उड़ते हुए भारतीय क्षेत्र में पहुंचे, जिसकी संख्या कम से कम 4 से 5 बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2022 में यूपी में फिर से समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, का जवाब देते हुए कहा कि यूपी में अगले 50 वर्ष तक सत्ता में बीजेपी की सरकार ही रहेगी और यदि अखिलेश यादव को मौका मिला तो 50 वर्ष के बाद ही मिलेगा। दिल्ली के दशहरा में इस बार एक और अनोखी चीज देखने को मिलेगी। दिल्ली के सबसे पुराने लाल किला में रावण दहन के साथ साथ पटाखों का इस्तेमाल तो नहीं होगा, इसके साथ ही रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों के साथ एक चौथा पुतला भी होगा, जो होगा सिंगल यूज प्लास्टिक का, जिसका दहन किया जाएगा। दिल्ली में प्रदूषण के गिरते स्तर को देखते हुए इको फ्रेंडली त्योहार मनाने का चलन जोरों पर है। अपने 3 दिन के दौरे पर फ्रांस पहुंचे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे और उनके साथ बैठक भी करेंगे। साथ ही वह अपना पहला राफेल जेट विमान प्राप्त करेंगे। वहीं राजनाथ सिंह आज पेरिस में राफेल की पहली उड़ान भी भरेंगे। आज देश भर में विजयदशमी का पर्व मनाया जा रहा है। विजयदशमी के मौके पर आरएसएस की ओर से पथ संचलन का आयोजन किया गया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की अगुवाई में निकलने वाली इस पथ संचलन में हिस्सा लेने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और वीके सिंह पहुंचे। साथ ही इसके मुख्य अतिथि के तौर पर एचसीएल के संस्थापक शिव नाडर भी पहुंचे। देश में बढ़ती मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार ने राजस्व सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय समिति गठित की। 19 सदस्यीय इस पैनल में 5 सचिव स्तर के ऑफिसर शामिल होंगे। पैनल में वित्त और विदेश मंत्रालय के सचिवों के अलावा जांच एजेंसियों और कई प्राधिकरणों के अफसर भी शामिल होंगे।